गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स. टुडे वी विल डू द सेम एक्सरसाइज 6.2. नेक्स्ट क्वेश्चंस व्हिच आर लेफ्ट. सो वी स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन 8. क्वेश्चन 7 तक हमने कर लिया लास्ट क्लास में. सो क्वेश्चन 8 इज आल्सो सेम द वर्ड प्रॉब्लम. सो इन अ यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन 4872 स्टूडेंट्स वर मेड टू सिट इन 42 रूम्स. If all rooms have equal number of students, find the number of students sitting in one room. क्या बोला गया है इस क्वेश्चन में कि एक यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन में जो टोटल स्टूडेंट है जिन्होंने एग्जाम दिया वो है 4872 स्टूडेंट, और उन स्टूडेंट्स को एग्जाम देने के लिए जो सिटिंग आपकी की गई है वो 42 रूम्स में है. ठीक है, 42 रूम्स में अरेंजमेंट हुई है. फिर अगर इन ईच रूम आपका नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स जो है वो इक्वल है, तो आपको फाइंड आउट करना है कि एक रूम में कितने स्टूडेंट्स ने सिटिंग करके एग्जाम दिया है. सॉल्यूशन राइट हियर. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सिटिंग इन 42 रूम्स, जो 42 रूम्स में स्टूडेंट्स बैठे थे उनका टोटल नंबर कितना था 4872. देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सिटिंग इन वन रूम, अब हमें क्या फाइंड आउट करना फॉर द वन रूम. So divide by 42. First step क्या division के लिए, write the table that I have already written here. ठीक है, so divide it 4872 को जब 42 से आप डिवाइड करोगे, then 42 and here is number 48, so it is divisible at 42 divide it 8 minus 2 6. कैरी डाउन 7, अगेन नेक्स्ट नंबर 42 जा हमारा क्या आता है 84, दैट इज अगेन ग्रेटर देन दिस नंबर, सो अगेन वन जा भी डिवाइड हो जाएगा हमारा -1. 7 minus 2 5, 6 minus 4 2, कैरी डाउन 2, देन 42 के टेबल में 252. यस, कौन से नंबर पे आ रहा है 6 जा पे, सो 42 6 जा हमारा क्या आ जाएगा 252, रिमाइंडर 0. तो इन ईच रूम नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स दोज हु वर सिट हाउ मेनी 116. सो हमारा कितना आएगा आंसर इज 116 स्टूडेंट्स, इट इज अवर आंसर. The number of the students sitting in one room is 116 students. So this is our answer for the 8th question. Dear students, our next question, question 9 is, a factory produced 7598 tube lights in 29 days. Ek factory hai jo 29 days mein kitni tube lights 7598 ट्यूबलाइट्स प्रोड्यूस करती है. हाउ मेनी ट्यूबलाइट्स वर प्रोड्यूस्ड पर डे, आपको क्या निकालनी है, पर डे मींस डेली, हर दिन वो कितनी ट्यूबलाइट्स प्रोड्यूस करती है. इफ द प्रोडक्शन वाज इक्वल इन ऑल डेज, अगर डेली की उसकी प्रोडक्शन सेम है, डेली वो सेम नंबर ऑफ द ट्यूबलाइट्स प्रोड्यूस करते हैं, तो आपको प्रोडक्शन ऑफ ट्यूबलाइट्स फाउंड आउट करनी है फॉर द ईच डे फॉर पर वन डे. So our solution is right here, tube lights produced by factory in 29 days. 29 डेज में कितनी ट्यूबलाइट्स प्रोड्यूस कर रही है
7598 सो ट्यूबलाइट्स प्रोड्यूस्ड बाय फैक्ट्री इन वन डे, आपको कितनी निकालनी है पर डे या वन डे के लिए आपको फाइंड आउट करनी है। तो वन के लिए आप क्या करोगे, डिवाइड द नंबर विद 29। सो 29 से अब आप इसको डिवाइड करोगे, 7598 डिवाइड बाय 29। सो फर्स्टली इट इज डिवाइडेड बाय द नंबर 2, 2 से डिवाइड होगा, 29 टू जो 58, सब्ट्रैक्ट इट, 15 माइनस 8 7, नाउ हियर इज लेफ्ट 6, 6 माइनस 5 1, कैरी डाउन 9, 179। अब 179 से स्मॉलर नंबर क्या है, 174, तो कौन से नंबर पे आ रहा है ये, 1 2 3 4 5 6, विच नंबर, 6। देन 29 6 जब 174 सबट्रैक्ट इट, 9 माइनस 4 इज 5, कैरी डाउन 8, देन 58 कम्स इन आवर टेबल, यस 2 जा पे आ रहा है 52, सो राइट हियर 58 सबट्रैक्ट इट, कितना है आपका 0। तो जब इसको डिवाइड किया तो आफ्टर डिवीजन आवर क्वेश्चन इज 262, मींस पर डे कितनी ट्यूब्स का प्रोडक्शन हो रहा है आपका, 262 ट्यूब लाइट्स, इट इज आवर आंसर, डेली 262 ट्यूब लाइट्स आपकी प्रोड्यूस हो रही हैं। 129 डेज में इतनी ट्यूबलाइट आती है, तो वन डे में आप इसको डिवाइड करोगे आंसर आ जाएगा 262। क्लियर दिस क्वेश्चन, ओके कम टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन 10, हाउ मेनी सेल्स आर रिक्वायर्ड फॉर 5280 बुक्स इन अ लाइब्रेरी इफ ईच शेल्फ कैन अकोमोडेट 32 बुक्स। क्या बोला गया इस क्वेश्चन में कि एक लाइब्रेरी है उसमें टोटल नंबर ऑफ बुक्स है आपका 5280 और ईच सेल्फ मींस अगर एक सिंगल सेल्फ में 32 बुक्स आपकी एडजस्ट होती हैं, 32 बुक्स के लिए आपका जो बुक्स है वो 32 बुक्स आती है नंबर ऑफ बुक्स, तो आपको कितनी सेल्स की रिक्वायरमेंट होगी जो टोटल बुक्स है उनको एडजस्ट करने में। सो राइट हियर टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितना है हमारा, टोटल नंबर ऑफ बुक्स राइट है 5280 बुक्स, देन बुक्स अकोमोडेट इन वन सेल्फ कितनी आ रही है, बुक्स अकोमोडेट इन वन सेल्फ हाउ मच 32, निकालना क्या है नंबर ऑफ द सेल्स रिक्वायर्ड, सो राइट हियर नंबर ऑफ रिक्वायर्ड सेल्स क्या आएगा आपका, टोटल बुक्स को 32 से हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 32, सो जब इसको डिवाइड करेंगे फर्स्टली वी राइट द टेबल ऑफ 32 जो हमने ऑलरेडी राइट की हुई है 5280, 32 से डिवाइड करेंगे, सो 32 बन जाए 32, 32 टू जा 64 जो कि हमारा 52 से ग्रेटर है, सो इट इज डिवाइडेड बाय 1 जा 32 डिवाइड बाय 31 बन जा 32 बन जा 32, सो नाउ सब्ट्रैक्ट इट, 2 माइनस 2 0, 5 माइनस 3 2, सब्ट्रैक्ट इट एंड नाउ कैरी डाउन द डिजिट 8, इट इज 208। अब 208 से स्मॉलर नंबर हमारा कौन सा है, 192, सो राइट हैंड 192। अब 192 आपका कौन से प्लेस पे आ रहा है, 6 जा पे, 1 2 3 4 5 6, तो राइट हैंड 6 सब्ट्रैक्ट इट, 8 माइनस 2 6, देन 10 माइनस 9 1, कैरी डाउन द नंबर 0, नंबर क्या बन गया आपका 160, आपके टेबल में आ रहा है 160, यस कौन से प्लेस पे है, 1 2 3 4 5 मींस 5 जा पे,
32 5 जब हमारा क्या जाएगा 160, सब्ट्रैक्ट इट, रिमाइंडर इज 0, तो हमारे नंबर ऑफ द सेल्स क्या आएगा 165। तो यहाँ पे 165 सेल्स की हमें रिक्वायरमेंट है टू एडजस्ट द टोटल नंबर ऑफ दीज बुक्स 5820 बुक्स को हम कितनी सेल्स में अकोमोडेट करेंगे, एडजस्ट करेंगे 165 सेल्स में। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन 9 and 10। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द डिविडेंड व्हेन क्वोशेंट इज इक्वल टू 171, डिवाइजर इज 32 एंड रिमाइंडर इज 26। इसमें आपको क्या करना है, डिविडेंड फाइंड आउट करना है। जब हम क्वेश्चन डिवीजन वाले क्वेश्चन करते हैं उसमें जब आप आंसर्स को चेक करते हैं तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू क्वोशेंट मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। ये हमारा फॉर्मूला होता फॉर द चेक और वेरिफिकेशन द डिविजन। सो हमें डिविडेंड फाइंड आउट करना है, तो अगर हम इस राइट साइड को सॉल्व कर देंगे तो हमारा किसके इक्वल आएगा, डिविडेंड के। हमें क्वोशेंट भी गिवन है, डिवाइजर भी गिवन है, रिमाइंडर भी गिवन है। सो राइट ऑल द नंबर्स इन द फॉर्मूला। क्वोशेंट इज गिवन 171, राइट हियर 171 मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर इज गिवन 32, राइट हियर 32 प्लस रिमाइंडर इज गिवन हाउ मच 26, राइट हियर 26। सो फर्स्टली अब हम क्या करेंगे, जो हमें क्वोशेंट और डिवाइजर गिवन उसको मल्टीप्लाई करेंगे। क्वोशेंट इज 171 मल्टीप्लाई बाय 32, इसको 32 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 वन जा 2, 2 7 जा 14, 1 कैरी, 2 वन जा 2 और 1 3। नेक्स्ट जब हम डिवाइड करेंगे सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे देन फर्स्टली एट द वंस प्लेस वी राइट हियर क्रॉस और 0। सो बिकॉज हमने वंस प्लेस से तो मल्टीप्लाई कर लिया तो इसके लिए हम यहाँ क्या राइट करेंगे, क्रॉस। सो 3 वन जा 3, 3 7 जा 21, 2 कैरी, 3 वन जा 3 प्लस 2 5। नाउ एड 2, 4 प्लस 3 7, 3 प्लस 1 4 एंड 5। तो आफ्टर मल्टीप्लीकेशन नंबर क्या आया हमारा 5472 मल्टीप्लाई तो हो गया, देन व्हाट इज लेफ्ट प्लस रिमाइंडर, सो प्लस 26। देन नाउ हियर प्लस 26, 26 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 6 प्लस 2 8, देन 7 प्लस 2 9, 4 सेम 5 सेम, आंसर इज 5498। तो हमारा डिविडेंड कितना हो गया, आपको डिविडेंड फाइंड आउट करना था जो हमारा आया 5498। सो दिस इज आवर आंसर। सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन 12 इज फाइंड द डिवाइजर व्हेन डिविडेंड इज गिवन 9783, क्वेश्चन इज 155, रिमाइंडर इज 18। अब आपको क्या निकालना है, डिवाइजर निकालना है, डिविडेंड आपको ऑलरेडी गिवन है, क्वोशेंट गिवन है और रिमाइंडर गिवन है। तो सेम फॉर्मूला से हम स्टार्ट करेंगे, आप ऐसे ही लिखोगे डिविडेंड इज इक्वल टू क्वोशेंट मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। सो डिविडेंड जो हमें गिवन है वो हम एज इट इज राइट करेंगे, 9783 डिविडेंड हमको ये गिवन है, देन क्वोशेंट इज गिवन 155, देन राइट हियर क्वोशेंट इज 155। डिवाइजर हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, तो डिवाइजर हम क्या रखेंगे, सेम एज इट इज वी राइट हियर डिवाइजर, देन प्लस रिमाइंडर इज गिवन 18, राइट हियर 18। तो हम इसको सॉल्यूशन इसका कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें डिविडेंड गिवन है, फर्स्टली हम क्या करेंगे, जब यहां पे स्टार्ट करते थे तो फर्स्टली क्या करते थे, मल्टीप्लाई उसके बाद एड,
बट हमें अब क्या गिवन है, डिवाइजर नॉट गिवन, डिवाइजर फाइंड आउट करना है, डिविडेंड हमें गिवन है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, लेफ्ट राइट साइड से लेफ्ट साइड में सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करेंगे। तो हमने रिमाइंडर को अब क्या करना है, इससे अपोजिट चलना है, हम पहले रिमाइंडर को इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसको राइट साइड से क्या करेंगे लेफ्ट साइड में लाके सब्ट्रैक्ट करेंगे। वहां पे एडिशन में, यहाँ पे 18 क्या जाएगा, सब्ट्रैक्ट इज इक्वल टू 155 मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर। जब भी हम नंबर्स को लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट लेके जाते हैं तो उनके जो साइंस होते हैं वो सिंबल चेंज हो जाते हैं। अगर वो एडिशन है तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन है तो एड हो जाएगा, अगर मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा, अगर डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 13 - 8 इज 5, 7 - 1 6, 7 - 9 इज इक्वल टू 155 मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर। क्लियर? अब 155 यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई के साथ है, यहाँ के क्या हो जाएगा इससे डिवीजर, 155 इज इक्वल टू डिवाइजर। अब हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, क्योंकि इसका सिंबल क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई से डिवाइड। अब इसको डिवाइड करेंगे 155 से, नंबर इज 9765, इससे डिवाइड करना है 155 से। उसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्टली 155 की हमें टेबल आनी चाहिए, उसके लिए हमने टेबल यहाँ साइड में राइट कर ली है। तो डिवाइड अब इसको करेंगे 155, थ्री डिजिट्स हैं, तो मींस एटलीस्ट हमें थ्री डिजिट्स तो यहाँ पे लेनी है। तो 976 हमने लिया, 976 स्मॉलर नंबर हम चेक करेंगे कौन सा आएगा हमारा, 930, सो राइट है 930, कौन से प्लेस पे आ रहा है, सिक्स जा पे, राइट है 6, सब्ट्रैक्ट इट 6 - 0 6, 7 - 3 4, देन कैरी डाउन द 5। अब 465 हमारी टेबल में आ रहा है, यस हियर थर्ड पे, सो 155 3 जा 465 सब्ट्रैक्ट 8 रिमाइंडर इज 0। तो इसको डिवाइड करने के बाद हमारा यहाँ पे आंसर कितना आया, 63, जो कि हमारा किसके इक्वल है, डिवाइजर के इक्वल है। तो आंसर आ गया हमारा, डिवाइजर इज 63। हमें क्या निकालना था, डिवाइजर फाइंड आउट करना था, जो कि हमारा कितना है 63। इसमें क्या करना है, सेम यही फॉर्मूला आपको लेके चलना है, बट यहाँ पे हम फर्स्टली मल्टीप्लाई करते थे फिर एड करते थे। अब इससे अपोजिट हो जाएगा, पहले रिमाइंडर को इधर लाके सब्ट्रैक्ट करेंगे, आफ्टर सब्ट्रैक्शन जो आएगा उसको हम क्वेश्चन से डिवाइड करेंगे, क्वेश्चन से डिवाइड करने के बाद जो हमारा आंसर आ जाएगा वो क्या रहेगा, हमारा डिवाइजर।